वक्त मिल रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीकानेर से बड़ी खबर है, बीजेपी की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। बीकानेर जिला देहात की नई कार्यकारिणी की लिस्ट जारी की गई। बीकानेर देहात में 8 जिला उपाध्यक्ष, 3 जिला महामंत्री बनाए गए हैं। 8 जिला मंत्री और एक एक जिला कोषाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। 10 मंडल अध्यक्षों की भी घोषणा कर ली गई है। 2 जिला संयोजक और सह संयोजक की भी नियुक्ति हुई है। विक्रम सिंह को जिला सह संयोजक बनाया गया है। देवीलाल मेघवाल को जिला मंत्री बनाया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर देहात बीजेपी अध्यक्ष ने ये नियुक्तियां की हैं। सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, लगातार नियुक्तियों का दौर जारी है बीजेपी में, एक और लिस्ट जारी की गई है। लगातार कोशिशें बीजेपी की ओर से कि सरकार में वापसी हो सके, पूरी जानकारी इन नियुक्तियों को लेकर दीजिएगा। जी निश्चित तौर पर, चुनावी साल में बीजेपी जो है वो अब अपनी कार्यकारिणी का फिर से विस्तार करती जा रही है, नया उसका पुनर्गठन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनके निर्देश पर जो बीजेपी देहात के जिला अध्यक्ष हैं विजय आचार्य है ना, उन्होंने नई घोषणा जारी की है। लगभग 8 को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है, जिनके नाम है हनुमान वैद्य, शिव प्रजापत, सवाई सिंह तंवर, शिव स्वामी, राधा देवी सियाग, आस्करण भटड़, नवरत्न गिंटाला और कुंभाराम सिद्ध। इन 8 लोगों को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं 3 लोगों को जिला महामंत्री बनाया गया है। इसके अलावा लगभग जो 8 लोग हैं इनको भी जिला मंत्री में जगह दी गई है। मनमोहन सिंह, रामनिवास कठुआ, कुसुम सारस्वत, कैलाश बिश्नोई। बिल्कुल मनीष, जहां एक ओर कांग्रेस की ओर से लगातार देरी हो रही है संगठनात्मक नियुक्तियों में, सूची कांग्रेस जारी नहीं कर पा रही है, तो वही दूसरी ओर बीजेपी की ओर से लगातार नियुक्तियों का दौर जारी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और सीकर से